न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोरजीर से है, जहां गांवों को अपराध मुक्त बनाने के लिए महिला उत्पीड़न को रोकने और साइबर अपराधों के प्रति सजग रहने के लिए सिहोरा चौकी पुलिस ने क्षेत्र के गाँव भोरजीर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। गांवों को अपराध मुक्त बनाने, महिला उत्पीड़न को रोकने और साइबर अपराधों के प्रति सजग रहने के लिए पुलिस ने कई गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया है। चौकी प्रभारी वर्षा धाकड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र के गांव भोरजीर में चौपाल लगाई, जिसमें चौकी प्रभारी ने ग्रामीणों से कहा कि इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल के साथ साइबर खतरे की जानकारी भी बहुत जरूरी है। अनजान नंबर या अनजान ऐप से वीडियो कॉल रिसीव न करें। किसी भी व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में रिमोट एक्सेस ऐप या अन्य कोई ऐप डाउनलोड ना करें। केवाईसी अपडेट के नाम पर किसी को भी लिंक अथवा ओटीपी शेयर ना करें। उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 साल से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की सजा और साथ ही 25,000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसी फरमान को लेकर वाराणसी पुलिस सुबह से ही सड़कों पर उतर करके अभियान भी चलाना शुरू कर दिया, जिसमें करीब 25 बाइक और 40 टोटो रिक्शा साथ ही 20 ऑटो रिक्शा को सीज करके आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आई। नकली नोट का धंधा करने वाले अभियुक्तों के ठिकाने पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। ये लोग हॉस्पिटल की आड़ में नकली नोट का धंधा कर रहे थे। सभी अभियुक्तों को दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया था। वहीं 3 अभियुक्त बदायूं के रहने वाले हैं। अभियुक्त आसिफ अली, दानिश अली और सरताज जरीफ नगर थाना क्षेत्र के जरेठा गाँव के रहने वाले हैं। आरोपी मार्केट में अब तक लगभग 5 करोड़ रुपये की नकली नोट खपा चुके हैं। अभियुक्तों के सहसवान स्थित ठिकाने से एक लैपटॉप प्रिंटर और नकली नोट छापने का सामान बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सहसवान कोतवाली क्षेत्र के मैक्स हॉस्पिटल पर छापा मारकर सामान बरामद किया है। महोबा के पचपहरा गांव में एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते मकान के अंदर खुदकुशी कर ली, जिसके चलते उसके परिवार में कोहराम मच गया। मामला जनपद महोबा के थाना खन्ना क्षेत्र के पचपहरा गांव का है। यहां के निवासी राम खिलावन की 21 वर्षीय पुत्री ने अज्ञात कारणों के चलते गांव में ही स्थित अपने पिता के दूसरे मकान पर खुदकुशी कर ली। वंदना के शव को देख उसके परिजन सहित ग्रामीणों में कोहराम मच गया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा मृतका के शव का पंचनामा भर उसका पोस्टमार्टम करवाते हुए मामले की तफ्तीश शुरू की गई है। ऋषिकेश में सर्दी के मौसम का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ठंड और कोहरे वाला दिन आज देखा गया। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से लोग ठंड से ठिठुरते हुए नजर आए। जगह जगह लोगों ने अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश की। सार्वजनिक स्थानों पर प्रशासन के द्वारा अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों ने बेघरों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की मांग की है। बार जो है सीजन का पहला कोहरा पड़ा है और इस सर्दी जो है बहुत कड़ाके की पड़ रही है। सरकार की तरफ से यहाँ ना तो कोई व्यवस्था है, नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था है अलावा डालने की, निगम की तरफ से। अब निगम तो भंग हो चुका है, लेकिन ये जिम्मेदारी SDM साहब की है। अब SDM साहब भी ही हर चौराहे पर अलावा डलवाएंगे। और साधु संतों की नगरी है, बेचारे साधु संत जो है त्रिवेणी घाट पर बैठे हैं, ठंड के मारे बड़े परेशान हैं। हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और ऑल ओवर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और सरकारों के बीच हुई बातचीत सफल हुई है। सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि ट्रक ड्राइवर अपनी हड़ताल वापस लें और काम पर लौट आएं। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देश भर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है।
सरकार की तरफ से संगठन को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो सभी ट्रांसपोर्ट संगठनों से चर्चा की जाएगी। सहमति तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है और हमारी जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है वही सभी यूनियनों का प्रतिनिधित्व करती है वहाँ पे पूरे भारत की। तो उन्होंने मीटिंग करी है, रात 12 बजे के लगभग मीटिंग फाइनल हुई गृह मंत्रालय में। तो उसमें यही हुआ है कि कानून वापसी हो रहा है और कोई भी अगर कानून में संशोधन या कुछ नियम बनेंगे तो वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राय मशवरा के बिना नहीं बनेंगे। और जैसा हमारे चालकों पलिचारों को बोलते हैं यहाँ पर अधिकारियों ने बताया हमें उत्तराखंड सरकार में, क्योंकि ऊपर से दबाव बना इनके पास जहाँ जहाँ सरकारें हैं भाजपा की। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबार करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 5 किलो 100 ग्राम मादक पदार्थ और एक पेटी शराब बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। कोतवाल शंकर सिंह बिस्क ने बताया कि मुखबिर ने IDPL चौकी प्रभारी ज्योति प्रसाद उनियाल को सूचना दी कि एक युवक मादक पदार्थ की तस्करी करने के लिए ऋषिकेश आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने गोल चक्कर के निकट चेकिंग के दौरान संबंधित युवक को तलाशी के लिए रोक लिया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से मादक पदार्थ बरामद हुआ। वहीं दूसरी ओर शिवाजी नगर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक युवक को एक पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान हीरलाल निवासी बिहार और अनुराग नेगी निवासी शिवाजी नगर के रूप में हुई है। सुल्तानपुर में बीती रात एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस घटना में जहां एक वृद्ध की झुलसकर मौत हो गई, वहीं चपेट में आने से 2 गाय और 1 बछड़े की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल घटना का जायजा लेने के साथ साथ मृतक वृद्ध का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, साथ ही कार्रवाई की जा रही है। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां सुखनई नदी के पास लगी प्रदर्शनी में कपड़े बदलवाने के लिए दंपति को पीटकर दुकानदार ने घायल कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेहरू नगर निवासी सलीम ने पुलिस को बताया कि वो सोमवार को बच्ची के लिए कपड़ा लेकर आया था, वह छोटा निकल गया। मंगलवार शाम वो अपनी पत्नी रेशमा और बच्ची के साथ इसे बदलवाने पहुंचा। उसने दुकानदार से बदलने को कहा, जिस पर दुकानदार भड़क गया। दुकानदार गाली गलौज करने लगा। सलीम के मुताबिक उसे दुकानदार समेत उसके अन्य कर्मचारियों ने घेर लिया। सभी उसको घेर कर पीटने लगे। बीच बचाव करने के लिए उसकी पत्नी आई, तब उसे भी पीट दिया। वहाँ मौजूद लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव करके उसे बचाया। कुछ देर बाद आरोपी दुकानदार प्रदर्शनी से निकल भागा। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल सलीम शिकायत लेकर कोतवाली पहुंच गया, उसने तहरीर दी है। कोतवाल JB पाल का कहना है कि पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन दोनों ही पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया। गुजरात के विसीवादर तालुका के छालरा सुखपुर और रवाणी कुबा गांव में कुमकुम तिलक के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई थी। इसके तहत जूनागढ़ जिले के विसावादर तालुका के रावणी कुबा झालरा सुखपुर गाँव में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के पास साइबर सिटी गुरुग्राम में नरसिंहपुर में एक तेंदुए ने करीब 7 घंटे तक तांडव मचाया। गांव में दीवारों को कूदता तेंदुआ एक घर में जा घुसा। गृहस्वामी ने समझदारी दिखाई और घर का दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद तेंदुआ घर की कमरे में ही कैद हो गया। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने तेंदुओं को पकड़ लिया है। गाँव की दीवारों को कूद कर भागते हुए ये तेंदुए की ये तस्वीरें देश की राजधानी से सटे हुए साइबर सिटी गुरुग्राम की है। ये तस्वीरें किसी जंगली इलाके की नहीं बल्कि गुरुग्राम के नरसिंहपुर गांव की है। तेंदुए की ये दस्तक ऐसी थी कि 7 घंटे तक पूरे गांव में लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ये देखो, सबसे पहले जैसे हमें इसकी सूचना मिली, मुझे इसकी सूचना 6 बजे मिली, तो सबसे पहले मैंने अपने परिवार के जितने भी बच्चे थे सबको अंदर बंद किया कि भी अंदर रहो बाहर ना जाए। उसके बाद में फिर मैंने फोन किया
पर प्रशासन में पता किया तो उन्होंने कहा भी हम आ चुके हैं, तो हम ना फिर वहाँ गए हैं, हमने देखा है मदन जी के मकान में जब घुसा हुआ था, वहाँ से जब निकला राजेंद्र के यहाँ, राजेंद्र भाटी के यहाँ गया तब रेस्क्यू टीम थी, तो हम भी वहीं थे, उनके साथ थे। ऐसा है इसके बारे में, तेंदुए के बारे में सुबह 4 बजे सूचना मिली थी मुझे, और सुबह छः बजे ये मदन सिंह एक हमारे ग्रामीण हैं उनके मकान में ये आ गया था, तो तब मुझे ये सूचना मिली। तो उसके बाद में मेरी बात अनिल जी से हुई, अनिल की फॉरेस्ट अफसरों से बात हुई कि इस तरीके से तेंदुआ जो है वो गांव के अंदर आ गया है, आबादी के अंदर आ गया है। तो उसके बाद में ये मदन के यहाँ से जब थोड़ा सा दबाव पड़ा तो ये तेंदुआ जो उधर से निकल के फिर राजेंद्र भाटी जी के मकान पे आ गया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के जूनागढ़ शहर में राजस्थान की तरह गुजरात की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर और मध्य प्रदेश की तरह प्रत्येक महिला को 3000 सम्मान राशि देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी जूनागढ़ जिला और महानगर ने संयुक्त रूप से आजाद चौक जूनागढ़ पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की महंगाई में राहत देने वाली योजनाओं का मजाक उड़ाने वाली बीजेपी ने दूसरे राज्यों में वोट पाने के लिए रियायतें दी हैं। गुजरात की जनता और महिलाओं जो पिछले 30 साल से बीजेपी को वोट दे रही हैं, उन्होंने क्या गलती की? मध्य प्रदेश राजस्थान में राहत देने वाली भाजपा सरकार गुजरात की माताओं बहनों के साथ घोर अन्याय कर रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। देश से ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लेकर आओ के नारे के साथ कानपुर संयुक्त मोर्चा के तत्वाधन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है तथा बीते दिनों कानपुर के घाटमपुरा बहेवा गांव में बौद्ध कथा में अराजक तत्व द्वारा हमला के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बहेवा गांव के आरोपियों की सजा की मांग की है। वहीं ज्ञापन देने वाले संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि आज ईवीएम हटाओ के संबंध में पूरे देश में बैकवर्ड क्लास के का आह्वान है, जिसमें संयुक्त मोर्चा भी शामिल है। पूरे देश में ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के उद्देश्य से ज्ञापन दिया गया है। साथ ही घाटमपुर के बहेवा गांव में अम्बेडकर वादियों द्वारा हो रही बौद्ध कथा में कुछ लोगों द्वारा हमला कर गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के मुख्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो गांधी प्रतिमा फूलबाग पर धरना देकर अपना विरोध प्रकट करेंगे। उसके बाद 17 जनवरी को पूरे भारत बंद का भी आह्वान करेंगे। दरअसल ईवीएम हटाने के संदर्भ में आज पूरे देश में आह्वान है, जिसमें ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास भी इस पर शामिल हुआ है और संयुक्त मंच जो कानपुर का है उसके तत्वाधान में आज ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं भानु प्रताप सिंह जी, उनके माध्यम से ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ के संदर्भ में आज ज्ञापन दिया गया है। झांसी के अटल एकता पार्क का शमशार करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां झांसी के अटल एकता पार्क में फुहरता का प्रदर्शन करते हुए सारी हदें पार की जा रही हैं। वहीं इस घिनौनी हरकत के कारण जनता शर्मसार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पार्क में अधिकांश महिलाएं बच्चे ही आते हैं जिनको इस शर्मनाक हरकत के कारण शर्मसार होना पड़ा। वहीं इस फुहरता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियोज में कई क्लिप्स तो ऐसे हैं जो नेशनल टेलीविजन पे हम दिखा नहीं सकते। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रेलवे पटरी के किनारे एक झोपड़ी में अवैध हथियारों का निर्माण कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 5 तमंचे, 4 अर्धनिर्मित तमंचे, कारतूस, खोखा और हथियार बनाने की फैक्ट्री बरामद की है। ये लोग हथियार किन किन को बेच रहे थे, पुलिस इसकी भी जानकारी जुटा रही है। मैं केशव चंद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक हरदोई। 2 तारीख की रात को हमारी थाना पुलिस बिहानी द्वारा चेकिंग की जा रही थी रात में। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सीतापुर शाहजहाँपुर मार्ग पर रेल पटरी के किनारे बनी झोपड़ी में कुछ लोग अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी थाना पिहानी के पुलिस ने वहां पर दबिश दिया और दबिश दिए गए स्थान पर 2 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें एक का नाम है बबलू उर्फ कल्लू सनवा ओम प्रकाश और दूसरे का नाम है अशोक पुत्र खेमकरण। उस स्थान से पुलिस को 2 तमंचे 315 बोर के और 3 तमंचे
12 बोर के अर्धनिर्मित तमंचे और जिंदा कारतूस एवं खोखा तथा शस्त्र बनाने के उपकरण काफी मात्रा में बरामद हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।